दोस्तों अक्सर लोग जीत को जीतने के लिए पीती बन जाते हैं, लेकिन आपको पीती नहीं, आपको जीती बनना है, क्योंकि जीती लोगों ने ही इतिहास रचा है। क्योंकि दिल में आग रखो और दिमाग में जीत, क्योंकि आपको इतिहास रटना नहीं है, इतिहास को रचना है। क्या आप इतिहास रटने में यकीन रखते हो या आप इतिहास रचने में यकीन रखते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जब एक बच्चा जीती होता है और वो अपने जीत पे आ जाता है तो मनचाही वस्तुएं अपनी माँ बाप से जरूर पा लेता है। एक चींटी जब जीत पे आती है तो वह पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ जाती है और पहाड़ चढ़ने के बाद पूरा पहाड़ को रौंद देती है। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तरीय परीक्षाओं में 10 बार से अधिक फेल होने वाला व्यक्ति अपने जीत पे आता है तो वह 40 बिलियन डॉलर की संपत्ति बना देता है। हाँ, तो ये बंदा और कोई नहीं, अलीबाबा ई कॉमर्स के फाउंडर जैक मा है। जब एक 12 साल की बच्ची के मन में आग होती है, जीत होती है, तो वह एक बहुत बड़े आतंकवादी यानी तालिबानियों को सीना ठोक के चैलेंज करती है। डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट में कहती है कि किसी तालिबानी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह मुझे मेरी पढ़ाई करने से रोक सके। और वह कुछ दिनों ही बाद जब वह बस से जा रही थी तो तालिबानी आतंकवादियों ने उस बस में आते हैं और 3 गोली मारते हैं और सीना छली हो जाता है। एक 12 साल का बच्चा 3 गोली लगने के बाद क्या सोचेगा, जरा कमेंट में हमें बताइएगा। लेकिन अगर दिल में आग हो और दिमाग में जीत हो तो बस चाहो ना तो जो चाहो ना वो पा सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार मिला उसे सबसे कम उम्र में। दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जो कि एक 13 साल की बच्ची को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, क्योंकि जिद के कारण। दोस्त, दिल में जिद बेइंतहा होना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जिद पालनी पड़ती है, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्त, आज से 20 साल पहले एक बच्चा एसटीडी पीसीओ पर बैठता था और एसटीडी पीसीओ का दुकान चलाता था। उसने जीत पे आया, उसने सोचा कि सारी दुनिया को जीत लूंगा और सारी दुनिया के दिलों पे राज करूंगा और एक करोड़पति और एक अरबपति बनूंगा। और आज इंसान मात्र 20 वर्ष की कड़ी मेहनत से भारत और दुनिया के लाखों दिलों पर, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है। नाम है संदीप महेश्वरी। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो जीत की कहानी ये है, जीत की इम्तिहा ये है। तो अगर बनना ही है तो जीती इंसान बनो, पीती इंसान नहीं। जिस दिन मैदान जंग में जीतने के लिए अपने अंदर जुनून पैदा कर लिया ना, सूरज जैसा गर्म कर लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो जितना घिसेगा वह उतना ही चमकेगा। जिसने भी अपने अंदर जीत पाला उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया, क्योंकि जिस जिस पर जग हंसा है ना उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है।